हे व्हाट्सअप एवरीवन, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम फाइल्स को रीड कैसे कर सकते थे। तो हमने कुछ इस तरह से अपनी फाइल्स को रीड किया था। बट आज हम बात करेंगे कि हम एक जो पॉपुलर सिंटैक्स है जिसे लोग यूज़ करते हैं फाइल को रीड करने के लिए, वो क्या है। उसके लिए लोग यूज़ करते हैं विद ब्लॉक। ओके, उसका क्या फ़ायदा भी बताऊँगा मैं आपको। और इसको हम सिर्फ और सिर्फ फाइल रीडिंग या राइटिंग के लिए यूज़ नहीं करते, इसको हम बहुत सारे कामों के लिए यूज़ करते हैं। इनको हम कॉन्टेक्स्ट मैनेजर बोलते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजर क्या है पूरे डिटेल में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट मैनेजर की एक वीडियो बना के दूंगा। तो अभी जो समझने वाली बात है कि हम फाइल्स को रीड कैसे करेंगे विद ब्लॉक्स की हेल्प से। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है। विद, यहाँ पे आपको लिखना है ओपन। ठीक है, ओपन लिखने के बाद आपको यहाँ पे फाइल का पाथ लिखना है, फाइल वन डॉट टी एक्स टी। उसके बाद क्या करना है, एस एफ। ठीक है, तो ये एफ इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस एफ को। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप कोलन लगा के इस ब्लॉक के अंदर कुछ भी काम कर सकते हैं अपनी फाइल के साथ। फॉर एग्जांपल, मुझे क्या करना है, एफ़ डॉट रीड, और मुझे इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है डेटा, और मैं इस डेटा को प्रिंट करा सकता हूँ। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो यहाँ पर ये सब कुछ डेटा मेरे पास प्रिंट हो चुका। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या फ़ायदा। देखिए, इसका फ़ायदा क्या है, इसमें आपको फाइल को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी फाइल कोई डैमेज है कुछ भी है तो ये कॉन्टेक्स्ट मैनेजर खुद हैंडल करेगा, खुद उसको क्लोज कर देगा, ओपन नहीं करेगा। ओके, और फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर चेक करूँ तो एफ डॉट क्लोज्ड, ये चेक करने के लिए कि मेरी फाइल क्लोज हुई या नहीं हुई, तो यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ मैं, और इसको मैंने इस ब्लॉक से बाहर लिखा है। ओके, सॉरी, ये डेटा डिस्क्रिप्टर है, इसको यहाँ से ऐसे। ओके, यहाँ पे है ट्रू, मतलब मेरी फाइल खुद क्लोज हो चुकी है, मुझे एफ डॉट क्लोज फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा कि हम यहाँ पे विद ब्लॉक्स क्यों यूज़ करते हैं। और बिल्कुल सिंपल सा सिंटैक्स है, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। और एक और बात, ये सिर्फ और सिर्फ हम फाइल हैंडलिंग में यूज़ नहीं करते, और इसको हम और कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, मतलब कि विद ओपन या सिंटैक्स कैसे काम कर रहा है, तो प्लीज़ मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में, और मैं इसकी अलग से वीडियो बना के दूंगा कॉन्टेक्स्ट मैनेजर की। ये दो या तीन वीडियो भी हो सकती हैं, क्योंकि इसमें हम क्लासेस को यूज़ करते हैं। ओके, तो प्लीज़ कमेंट में बताना। ओके।